रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? तो देखो हम लोग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कर रहे थे, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसमें काफी सारा क्वेश्चंस है, तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। इलास्ट्रेशन टू, देखो क्या बोला, इलास्ट्रेशन टू देखो बोल रहा है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड। ठीक है, ओमेगा लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है लैंड एट कॉस्ट। ठीक है, लैंड कहाँ पर आएगा? पीपीई में। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट अंडर पीपीई। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है मैंने बोला था तुम लोग को याद करना है। ठीक है, तो याद कर लो, जिनका आज पहला क्लास है मतलब पहली बार कर रहे हो, दो क्लास हुआ है, हम क्लास सेंड कर देंगे, एक बार देख लोगे तो याद आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली 11th 12th या कॉलेज पे हम लोग ये टॉपिक करते हैं। ठीक है, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉर्मल हमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना के देना है, कहीं कहीं तो हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाने बोलता है। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, ये भी पीपी में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल के हेडिंग में ही आता है। इन्वेंट्रीज देखो 31 मार्च 2002 का दे दिया है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है यानी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर देता है तो तुम लोग को पता होगा एडजस्टेड परचेज तब क्वेश्चन में दिया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, ये देखो एडजस्टेड परचेज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा ट्रायल बैलेंस के बाहर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी एडजस्टमेंट होता है वो दो बार होता है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है, एक बार हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग में, एक बार लिखते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। यहाँ तो ट्रेडिंग कुछ अलग से होता नहीं है, वो चेंजेस इन इन्वेंट्री में आएगा और इन्वेंट्री बोल के जो है हम लोग का बैलेंस शीट वहां आता है। तो एडजस्टेड परचेस का मतलब है परचेस का पूरा नेट कर दिया गया। नेट कैसे होगा? ओपनिंग परचेस का वैल्यू प्लस जो है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने से जो आता है परचेस का, ठीक है, वो हो जाएगा। मतलब हमारे पास पहले से हम लोग जो भी स्टॉक परचेस करते हैं उसका ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेस्ड वैल्यू माइनस क्लोजिंग करने से हमें पता चलेगा कि हमारे पास एडजस्टेड परचेस कितना है। ठीक है, मतलब परचेस का एडजस्टेड वैल्यू। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये कहाँ पर आएगा? ये हम लोग का पीएल में आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा दो ही चीज होता है, एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल और एक बैलेंस शीट। पीएल में कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंसेस में। मैंने याद रखने के लिए तुम लोग को ऐसे बताया है CPCEFDO, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो वो मतलब अदर एक्सपेंसेस होता है, ऐसा एक्सपेंसेस जो ना तो डिप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में आएगा। ये होता है फाइनेंस कॉस्ट, ये होता है इम्प्लॉय बेनिफिट, ये होता है कॉस्ट ऑफ मेटेरियल चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और ये होता है कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, ये तीनों का तीनों अदर एक्सपेंसेस में आएगा। सभी एक्सपेंसेस है, तीनों अदर एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि ये बाकी किसी हेड में नहीं जाता है। डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में जाता है। इंटरिम डिविडेंड पेड क्या होगा? पीएल से लेस होगा। क्यों लेस होगा? क्योंकि हम लोग डिविडेंड कहाँ से पे करते हैं? अपने प्रॉफिट से पे करते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में जाएगा। 10% डिवेंचर कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? रिजर्व सरप्लस में जाएगा। पीएल कहाँ जाएगा? पीएल रिजर्व सरप्लस में जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी रिजर्व सरप्लस में जाएगा। अब नेक्स्ट बोल रहा है सेल्स कहाँ पर जाएगा? सेल्स जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जाएगा। ट्रेड पेबल के हेडिंग में जाता है। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया है इसीलिए क्योंकि तुम लोग अगर देखोगे, देखो लैंड में तो डिप्रिसिएशन नहीं लगता है लेकिन बाकी फिक्स्ड एसेट जैसे कि प्लांट मशीनरी दिख रहा है, तो ये कॉस्ट में दिख रहा है। कॉस्ट का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू जिसपे ये एक्वर्ड हुआ था। तो अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसका मतलब है अभी तक, मतलब परचेज डेट से लेके 31 मार्च 2002 तक इस पे जितना डिप्रिसिएशन अलॉट हुआ है, एलोकेट हुआ है, वो है 172। गुड मॉर्निंग मैम।
172 जो है प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन का मतलब है कि ये 770 इसका कॉस्ट है जब परचेज हुआ था, और अभी तक इस पे 172 डिप्रिसिएशन लगा है, इसका बुक वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का एक मेथड होता है, ठीक है, जो 11 में किया जाता है कॉलेज पे किसी का डिप्रिसिएशन। अभी तो चेंज वेंज होते रहते सिलेबस, मुझे पता नहीं पहले तो कॉलेज में भी था डिप्रिसिएशन, ठीक है, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता। और यहाँ पर देखो ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का यूज क्या है हम लोग, ताकि एसेट का नेट वैल्यू, यानी कि जिसको तुम लोग WDV रिटन डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू बोलते हो, वो पता कर सके। ठीक है, तो ये कहाँ पर जाएगा? ये सिंपल सा बात है, जो हम लोग का डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो एसेट दिखाएंगे ना, पीपी प्लांट एंड मशीनरी, वहां से ये वैल्यू हमें माइनस करना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी डेटा रहता है वो एक ही बार पुट होता है, कहीं पर भी दो दो बार नहीं जाता है। तो ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हमारा पीएल में नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं जाएगा? तो तुम लोग बोलोगे तो डेप्रिसिएशन तो पीएल में जाता है, बिल्कुल जाता है, बट ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन परचेज डेट से लेके 31 मार्च, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग मैम। परचेज डेट से लेके आज तक का। ठीक है, तो हम लोगों को पीएल में कौन सा डिप्रिसिएशन देना चाहिए? देखो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल एक्रुअल बेसिस पे बनता है, पहला बात। दूसरा जो है वो करेंट ईयर बेसिस पे बनेगा, तो करेंट ईयर का जो डिप्रिसिएशन है वही हमें लिखना है। तो इसका यूज क्या होगा? इसका यूज होगा बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट से लेस करके दिखाना। फिर सस्पेंस दिया है, सस्पेंस क्यों देता है? ट्रायल बैलेंस अगर किसी वजह से मिसमैच होता है तो दोनों साइड में मैच करने के लिए सस्पेंस दिया जाता है। सस्पेंस तब होता है जब हमने कोई गलती कर रखा है, लाइक मान लो कि हम लोगों ने जर्नल में कुछ गलत किया है। ठीक है, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में होता है ना, अलग अलग टाइप का एरर हो सकता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, अलग अलग कुछ भी गलती हो सकता है जिसके वजह से हम लोग का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, और क्रेडिट साइड में 4 लिख के उसे टैली किया गया। बेसिकली 4000 है, क्योंकि फिगर्स इन थाउजेंड है। ठीक है, 4000 जो है वो होना चाहिए। अब इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा जब हम लोग ये वाला बनाएंगे। अब देखते हैं नीचे का इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। ऑथराइज शेयर कैपिटल बता दिया, ये डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, कहाँ डिस्क्लोज होता है? शेयर कैपिटल में, जो हमारा नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का होता है, वहां डिस्क्लोज होगा। कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विज टू रिवैल्यू द लैंड एट 3,60,000। कंपनी ने कोई वैल्यूअर को बुलाया और बोला कि लैंड को रिवैल्यू करो, जो कि 3,60,000 में हुआ। तो लैंड का कॉस्ट था 220, वो 360 हो जाएगा, क्योंकि मुझे इन थाउजेंड में सारा डेटा देखना है। तो थाउजेंड के हिसाब से यहाँ से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, 220 का लैंड जो है 360 में ट्रांसफर हो गया है, मतलब लैंड का एप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, डिक्लेयर डिविडेंड, डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड 10% ऑन 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल 2002 में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, तो वो हमारे इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो 2 अप्रैल 2002 का है, जबकि ये स्टेटमेंट हम लोग का 31 मार्च 2002 तक का ही बनने वाला है। तो ये हमारे डेटा को इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो इसका हम लोग नीचे नोट दे सकते हैं कि ये इस ईयर के लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट जो 4000 का, ये 4 और 4000 इक्वल है, बिकॉज़ यहाँ पर 0003 यहाँ पर नहीं लिखा गया, बिकॉज़ ये इन थाउजेंड में लिखा है। तो सस्पेंस अकाउंट 4000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीन ऑन 1/4/2001, द कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज 10,000। बोल रहा है कि ये 4000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोल रहा है कि मशीन सोल्ड आउट कर दिया गया है जिसका कॉस्ट था 10,000। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो, टोटल मशीन हम लोग के पास कॉस्ट में ही दिख रहा है 770 था। सिंपल बात है, मशीन प्लांट एंड मशीन टोटल हम लोग के पास था 770, उसमें से सोल्ड आउट हो गया है वो मशीन जिसका कॉस्ट है, ठीक है, 10,000। अब 10,000 मतलब कितना लेंगे? 3 जीरो हटा के यहाँ से 10 लेंगे, तो 760 का एसेट अभी बचेगा। ठीक है, अब ये जो 10,000 का एसेट बेचा गया है 4,000 में, मतलब 6,000 जो है हम लोग का यहाँ पर, अच्छा, लॉस है कि प्रॉफिट, उसके लिए तो पहले डिप्रिसिएशन भी देखना पड़ेगा। जो एसेट का कॉस्ट 10 है,
वो ऐसे टिपिका है कितने में, 4,000 में, लेकिन उसके पहले ये तो कॉस्ट है, तो डेप्रिसिएशन अब तक कितना लगा वो हमें दिखाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि हम लोग का यहाँ पर जो 4,000 में सोल्ड आउट हुआ उसमें प्रॉफिट है कि लॉस है, बता दिया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 8,000, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन। अब अगर कॉस्ट में है एसेट, अगर कॉस्ट में है तो मुझे टोटल डेप्रिसिएशन ही चाहिए, और एसेट अगर मेरा WDV या बुक वैल्यू में होता या कैरिंग अमाउंट में होता, तीनों नाम बोला जाता है, तो फिर हम लोग उसमें से सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का लेस करते, क्योंकि ये प्रोविजन मेथड है। तो यहाँ पर 8,000 बोला है, यानी 8, तो 2 जो है 2,000 बेसिकली इसका WDV वैल्यू हो रहा है ऑन द डेट ऑफ सेल, और सेल हुआ है 4,000 से, ठीक है, तो प्रॉफिट है 2,000 का, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कहाँ बुक होगा? प्रॉफिट हम लोग का जो है अदर इनकम में बुक होगा, ठीक है। जैसे तुम लोग PL बनाते हो तो लिखते हो ना बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। तो ये कहाँ पर जाएगा? अदर इनकम में जाएगा, 2 जो है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी बचा हुआ एसेट कितना है? 760, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10%, यानी 76 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये हम लोग का डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में जाएगा, बिकॉज ये करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो अभी हम लोग करेंगे तो और एक बार दिखा देंगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओमेगा लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विथ नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 एज पर शेड्यूल 3, इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर्स एंड टैक्सेशन। तो हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ PL और जो बैलेंस शीट है दोनों ही प्रिपेयर करने बोला है, ठीक है। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 2, क्वेश्चन नंबर है 2, ओमेगा लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2002, particulars amount, हम लाइन वाइन नहीं लगा रहे, ठीक है, ना अच्छा होगा, नहीं मेरा लाइन यहाँ पर, नेक्स्ट हो जाएगा। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद आ जाएगा अदर इनकम, ये दोनों डेटा लिखने से आ जाएगा टोटल। पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ही जो है डेटा पुट करेंगे, टोटल इनकम। इसके बाद एक्सपेंसेस का हेडिंग, एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस में आ जाता है सीपीसी EFDU, हम इसी तरीके से याद रखते हैं, सीपीसी EFDU, ठीक है। सी फॉर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, ई होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस। तो यहां नोट नंबर भी बनेगा, यहां पर हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस
फिर लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी। क्वेश्चन में टैक्स नहीं है लेकिन मैंने बोला है कंपनी वाला इसमें टैक्स लिखना जरूरी है, तो लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये स्ट्रक्चर बन गया। अब बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। एज एट 31 मार्च 2002 पर्टिकुलर्स, नो नंबर, अमाउंट। ठीक है, स्ट्रक्चर याद कर लेना, हम बार बार बोल रहे। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर किसी को याद नहीं है तो याद कर लेना। सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस पॉइंट नंबर टू, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, अच्छा इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग के अलावा भी काफी सारा पॉइंट आता है जैसे कि इन्वेस्टमेंट वगैरह, लेकिन वो सब इस क्वेश्चन में पॉइंट है नहीं तो मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट दिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है, थर्ड नंबर पे हो जाएगा हम लोग का करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये एक ही पॉइंट होता है ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में मुझे एक ही पॉइंट देगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो कि डिवेंचर का था, बाकी कुछ था नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया, जिस क्वेश्चन में होगा उस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज में मुझे जितना याद है ट्रेड पेबल था, ट्रेड पेबल, तुम लोग तो एग्जाम में पॉइंट आउट करोगे तो खुद ब खुद दिख जाएगा क्या पॉइंट है क्या नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब पीपीई, सेकेंड हो जाएगा करेंट एसेट, इसमें आएगा करेंट एसेट में था इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, और ट्रेड रिसीवेबल, और सी पॉइंट में हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सी हो जाएगा हम लोग का क्लोज। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, नोट बनाना है, नोट्स टू अकाउंट, जो कि सॉल्यूशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, पहला नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर वन,
कैसे बनाते हैं यहाँ पर वो भी एक बार बता देते हैं। देखो हम जो है यहाँ पर ऐसे जो स्टार्टिंग से हमारे पास पॉइंट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे सबसे पहले है लैंड प्लांट, ये सब है, तो मतलब हम लोग पीपी का नोट बनाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, गलत होने का चांसेस कम होता है। तो अभी ना हम शॉर्ट में इसको पीपी लिखेंगे, मतलब जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। अभी मैंने इसको एक बार लिख दिया, ठीक है, क्योंकि अगर किसी को याद नहीं है या फिर अगर पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा जो है नाम पूरा पता होना चाहिए। बाकी इसके बाद से हम लोग शॉर्ट में ही लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी पीपी लिखा, ठीक है। अब पीपी का नोट बनाएंगे। पीपी के अंडर क्या दिख रहा है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पर लैंड एट कॉस्ट 220, तो यहाँ पर लिखते हैं लैंड एट कॉस्ट, लैंड कॉस्ट में दिख रहा है ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस मतलब टोटल 220, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और क्या दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी 770, तो ये लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, ये भी कॉस्ट में दिख रहा है 770। इसमें एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पर कॉलम बनाएंगे डेप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन का भी लिख देते, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एप्रिसिएशन भी है, तो कॉलम को इसी तरीके से डिस्क्राइब कर लेंगे जैसा क्वेश्चन हमें दिया है, डेप्रिसिएशन स्लैश एप्रिसिएशन। फिर यहाँ पर नेट अमाउंट, ठीक है, और जितने जगह पे अमाउंट का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना वहां पर हमें इस तरीके से कॉमा देके 3 जीरो लिख लेना है, क्योंकि ये 220 नहीं है, एक्चुअली 220 के बाद 3 जीरो है, तो सब जगह पे ये लिखना पड़ेगा, एग्जाम में तो जरूरी है। अभी मेरा अगर कहीं छूट जा रहा है तो तुम लोग अपना लिखो, हम यहाँ पर एक बार बता दिए कि जितने भी अमाउंट जहां भी लिखोगे वहां ये लिखना है। इवन जो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये अमाउंट इसके साइड में भी मुझे इसी तरीके से ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिखना है। इसमें भी मुझे यहाँ पर इसमें भी मुझे ऐसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये इन थाउजेंड में तभी सही प्रेजेंटेशन होता है। अच्छा, अब ये जो डेटा मैंने लिख लिया, अब इसका इंफॉर्मेशन तो नीचे मिलेगा, तो जितना जगह रखा हुआ है ये काफी है इंफॉर्मेशन के लिए। जितना मुझे याद आ रहा है प्लांट मशीनरी सोल्ड आउट हुआ है, तो इतना लगभग जगह रख देंगे, और नोट नंबर 2 जो बनाएंगे वो इसके नीचे बनाएंगे, ठीक है। तो नोट नंबर 2 देखते हैं किस चीज का बनेगा। तो उसके बाद डेटा आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का ना कोई नीचे इंफॉर्मेशन था ही नहीं, मतलब इसमें कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं, तो ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि खुद ही एक हेडिंग होता है, तो हम लोग डायरेक्टली 96 को जो है बैलेंस शीट के अंदर लिख लेंगे। हमें इसका अलग से नोट बनाना मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है, जिसमें मोर देन वन इंफॉर्मेशन होता है वो बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 96, मतलब 96,000 है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद देखो इन्वेंट्रीज 86, तो इन्वेंट्रीज तो खुद ब खुद इन्वेंट्री बोल के दिखेगा, तो ये भी यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 86, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इन्वेंट्रीज हो गया, बैंक, बैंक कहाँ पर आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आना चाहिए, ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे नीचे नोट्स बना के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, नोट नंबर 2 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें भी शायद बैंक ही हम लोग का है और कुछ है भी नहीं, ठीक है, फिर भी बना लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, इसमें हम लोग का आ जाएगा बैंक। तो ये मैंने शॉर्टकट पे लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, नहीं तो इतना सारा चीज कंप्लीट नहीं होता है। 20, ये 20 हो जाएगा, और इसमें कुछ था भी नहीं, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20। अच्छा, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज 320, तो एडजस्टेड परचेज मतलब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का पूरा डेटा ही हमें एडजस्ट करके दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे एडजस्टेड परचेज जो है यहाँ पर 320 परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, इतना स्टॉक इन ट्रेड परचेज हुआ है। अच्छा, फिर बोला है फैक्ट्री एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, ये चले जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे। तुम लोग चाहो तो एडजस्टेड परचेज का नोट भी बना सकते हो, ठीक है, अगर चाहो तो बना सकते हो, बाकी मैंडेटरी तो मुझे नहीं लगता है कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी तब होता है जब मोर देन वन इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस का नोट। अदर एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में आ रहा है हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस
फैक्ट्री एक्सपेंस 60, एडमिनिस्ट्रेशन 30, एडमिनिस्ट्रेशन 30, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस है हम लोग का 30, ठीक है, और तो कुछ था नहीं अदर एक्सपेंसेस, मुझे जितना याद है, तो ये शायद ऐड हो जाएगा, फिर भी ठीक है, जब पूरा पढ़ लेंगे तभी कंक्लूजन में आ जाएंगे, हम अभी यहाँ इतना ही लिख रहे हैं। फिर नोट नंबर 4, ठीक है, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 किस चीज का बनेगा, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। डिबेंचर इंटरेस्ट मतलब फाइनेंस कॉस्ट का, फाइनेंस कॉस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ है 20, ठीक है, ये सभी इन 1000 में होगा। डिवेंचर इंटरेस्ट हम लोग का 20 बोला है, अच्छा 20 ही होना भी चाहिए। ये देखो 200 पे अगर 10% लगाओगे, ठीक है, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 200 पे 10% लगाओ, देखो हम लोग का आ जाता है 20, ठीक है, इसका मतलब डिवेंचर इंटरेस्ट फुल्ली पेड है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। फिर इंटरिम डिविडेंड पेड 18 बोला है, मतलब रिजर्व सरप्लस बनाना चाहिए, तो नोट नंबर 5, ठीक है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, बोल रहे हैं इंटरिम डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पे कहाँ से होता है, प्रॉफिट से होता है, तो हम थोड़ा प्रॉफिट के लिए जगह रख देते हैं, जितना भी होगा लेस हो जाएगा इंटरिम डिविडेंड, तो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड है हम लोग का 18, इंटरिम डिविडेंड 18 बता रखा है, ठीक है, ये भी रुपीज जो है ये भी इन 1000 में। अच्छा इंटरिम डिविडेंड के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल होगा, अच्छा इसमें ना जगह रखना पड़ेगा रिजर्व सरप्लस में, क्योंकि हम लोग जो है इससे जनरल रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम काफी सारा था, तो थोड़ा जगह रख दो, क्योंकि देखो यहाँ पर जब पढ़े थे, यहाँ देखो इतने सारे इंफॉर्मेशन है जो हमारा वहां पर जाने वाला है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा जगह रख के हम लोग काम करेंगे। फिर नोट नंबर 6, ठीक है, नोट नंबर 6 ये हम लोग का हो जाएगा शेयर कैपिटल। चलो तो शेयर कैपिटल में लिखना क्या है, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड बता रखा है तो वो लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जरूरी है, ऑथराइज जब क्वेश्चन में दिया है, नहीं भी दिया है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल, अच्छा ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है वो नीचे बताया है, ये देखो 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, यहाँ पर लिखेंगे 40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा, वैसे तो देखो 40,000 × 10 करेंगे तो हम लोग का 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख को हम लोग को इन 1000 में ट्रांसफर करके दिखाना है, ठीक है, ये कॉमा है, इन 1000 में दिखाना है, तो 4 लाख/1000 करने से 400 आ जाएगा, ठीक है, और ये हम लोग कर लेंगे क्लोज, मतलब 40,000 सिंपल × 100 करने से आता है इतना, अभी हम लोग को सॉरी × 10 करने से, ठीक है, × 10 करने से आ जाएगा इतना 4 लाख, अभी हम लोग को इसको इन 1000 में लिखना है, तो 3 जीरो से डिवाइड मतलब 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल वैसे तो बैलेंस शीट में कहीं काम नहीं आता है, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन उसको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। अब ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गया, अब इसके आगे देखो यहाँ पर बताया है इक्विटी शेयर कैपिटल जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मतलब ये पेड अप होगा तो यही इशूड होगा, ठीक है, अब इशूड कम ज्यादा भी हो सकता है लेकिन हमें तो नहीं पता, तो हम लोग इसको ही लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, जब हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में डिटेल्स रहता कि इशूड कितना, सब्सक्राइब कितना, कॉल्ड अप कितना, पेड अप कितना, तो उस तरीके से लिखना 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 30,000 × 10 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख मतलब 300, ये हम लोग का जो है बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर नोट नंबर 7, नोट नंबर
सेवन. अब देखते हैं किस चीज का नोट बनेगा. इसके बाद है 10% डिवेंचर, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग. लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ जाएगा 10% डिवेंचर 200. फिर है जनरल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम. ये सभी रिजर्व सरप्लस में जाएगा जो ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है. ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो पीएल कितना था वो पहले लिखेंगे. जनरल रिजर्व 130, पीएल 72 है ओपनिंग पीएल. तो यहाँ पर लिख देते हैं पीएल ओपनिंग वाला, मतलब पहले से प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस, ऐसे लिखते थे 72. ऐड करेंगे पीएल जो कि करेंट ईयर का होगा. ठीक है, अब दोनों ऐड करने के बाद उसमें से हम लोग जो है जो वैल्यू निकल के आएगा उसमें से इंटरिम डिविडेंड पे करेंगे. पे करने के बाद जो बचेगा वो पीएल का वैल्यू होगा. उसके बाद हमें बोला है जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो लिखेंगे जनरल रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम. जनरल रिजर्व 130 और सिक्योरिटीज प्रीमियम 40. जनरल रिजर्व 130 और सिक्योरिटीज प्रीमियम 40. सिक्योरिटीज प्रीमियम 40. अच्छा, फिर सेल्स. सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं 700. तुम लोग चाहो तो नोट बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो इसमें चलेगा. ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 700. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही सेल होता है. ट्रेड पेबल 52, तो ट्रेड पेबल का जो हम लोग का कॉलम मतलब ट्रेड पेबल नाम से ही बना हुआ है, वहां पर आराम से हम लोग लिख सकते हैं. ट्रेड पेबल का वैल्यू हम लोग का बोला था 52. ठीक है, तो ट्रेड पेबल लिख दिया 52. अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो बोल रहा है प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन. टोटल अब तक डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है. अब एक ही डिप्रिशिएबल आइटम है, वो है प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है, तो टोटल डिप्रिशिएशन बोला है 172. ठीक है, इतना बोल रखा है. अच्छा, अब ये देखो ट्रायल बैलेंस का सारा डेटा मैंने लिख लिया. उसके बाद ऑथराइज शेयर कैपिटल जो 0.1 था वो भी कर लिया. अब बोल रहा है कंपनी ने अपने एसेट को मतलब जो लैंड है उसको 3,60,000 में रिवैल्यू किया है. तो लैंड पहले था 220 का, अभी उसका वैल्यू हो गया 360. यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू चेंज होने के बाद 360 हुआ है. तो एप्रिसिएशन हुआ है, कितना एप्रिसिएशन हुआ है 360 माइनस 220 करने से हो जाएगा एप्रिसिएशन, दैट इज 140. ठीक है, 140 हम लोग का एप्रिसिएशन हुआ है ये वाला. ठीक है, एप्रिसिएशन. मुझे एक चीज बता सकते हो, ये जो एप्रिसिएशन हुआ लैंड एंड लैंड का वैल्यू, इसका एंट्री क्या होता है या फिर ये कहाँ जाना चाहिए? मतलब ये मेरे ट्रायल बैलेंस के बाहर था. ठीक है, ये वाला इंफॉर्मेशन मेरे ट्रायल बैलेंस के बाहर था. अब ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर कोई इंफॉर्मेशन रहता है तो उसका दो बार एडजस्टमेंट होता है. जैसे बाहर डिप्रिशिएशन है तो डिप्रिशिएशन एक बार पीएल में जाता है, एक बार बैलेंस शीट में एसेट से माइनस होता है. तो ये एप्रिसिएशन हुआ तो एक बार तो जो है लैंड का वैल्यू चेंज होने में काम आया, मतलब 220 प्लस 140 360. ठीक है, अब ये 140 और कहाँ जाएगा ये बता सकते हो? तो उसके लिए तुम लोग कोशिश अगर करना चाहते हो तो हम एक हिंट दे सकते हैं. अगर लैंड का रिवैल्यूएशन हुआ है तो इसका एंट्री क्या होता है? अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है तो इसका एंट्री क्या होता है? अगर वो तुम लोग बोल पाओगे तो फिर मुझे लगता है कि आंसर भी दे पाओगे. कोई ट्राई करना मैम, चाहे? लैंड टू रिवैल्यूएशन. लैंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व. ठीक है, लैंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व. डिप्रिशिएशन में अगर याद है तो हम लोग ये वाला पॉइंट करते थे, AS 10 के अकॉर्डिंग होता है. रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल के उसे दिखाना पड़ता है. ठीक है, अच्छा, तब ये लैंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व हुआ. अब बोलो फिर ये जाएगा कहाँ? लैंड को तो एप्रिशिएट कर दिया 140 से, एंट्री क्या होगा? एंट्री तो ये वाला होगा ना, लैंड अकाउंट डेबिट कितने से? 140 से टू रिवैल्यूएशन रिजर्व. ठीक है, तो फिर ये 140 का इंपैक्ट यहाँ आ गया, तो मतलब डेबिट का इंपैक्ट तो आ गया. अब क्रेडिट का इंपैक्ट फिर कहाँ देना चाहिए? जो लिखा हुआ है ना बस उसी से समझ में आएगा. बोलो कहाँ जाना चाहिए? तो लिखा है उसका नाम तो पढ़ो अच्छे से, रिवैल्यूएशन क्या लिखा है उसी से तो पता चलेगा कहाँ जाना चाहिए. यही तो. हाँ,
रिजर्व में जाएगा, लिखा हुआ है ना रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो कहाँ जाना चाहिए? रिजर्व में जाना चाहिए, सही है, रिजर्व में जाएगा। ठीक है, तो कभी भी एप्रिसिएशन होता है तो उसके एडजस्टमेंट में वो कहाँ पर जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल के जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि दो बार एडजस्टमेंट तो होना जरूरी है ना, क्योंकि उसका एंट्री नहीं हुआ है तो वो तो दो बार एडजस्ट होगा ही। 140, ठीक है। अब इसका टोटल हम लोग लिख लेंगे, खैर यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा नीचे करके लिख लेंगे, इसको थोड़ा हटा देते हैं, जगह मिल जाएगा। ये जो इन थाउजेंड लिखा, हाँ अच्छा, अब देखो ये एडजस्टमेंट हो गया। फिर बोल रहा है फाइनल डिविडेंड, ये हमें नहीं लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला डिविडेंड तो पे तो छोड़ो, डिक्लेयर ही अभी हुआ है, ठीक है, 2 अप्रैल को, तो वो तो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद हो रहा है, तो इसका हमें नोट देने से ही होगा कि ये हमारे आंसर, मतलब तुम लोग खुद लिख सकते हो ये वाला, हम बता देते क्या लिखना है। ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने डील इसीलिए नहीं किया बिकॉज ये हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डील होने वाला है। फिर सस्पेंस वाला देखो, बोल रहा है कि सस्पेंस में जो 4000 है ना, वो बोल रहा है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी जिसका कॉस्ट था 10 एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग 8000, मतलब 10000 का एसेट जिसपे डेप्रिसिएशन हुआ है 8000, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन जिसका बुक वैल्यू बनता है 2000, वो 4000 में सोल्ड आउट हो गया है। ठीक है, ये चीज हमें बोला है, तो इसको हम यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, तो देखते हैं कैसे इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर 172 है टोटल डेप्रिसिएशन। अब तुम लोग को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रूल्स पता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन देखो 172 जो डेप्रिसिएशन है वो टोटल 770 के एसेट का डेप्रिसिएशन है, लेकिन इसमें से सेल हो गया है, सेल कॉस्ट वैल्यू जिसका है 10 रुपीज, ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि लैंड का अलग है, तो 760 का जो है एसेट बचा हुआ है अभी, ठीक है, तो ये हो जाता है उसका कॉस्ट, जो बचा हुआ एसेट है उसका कॉस्ट है 760। अब 172 जो डेप्रिसिएशन था ना, वो टोटल प्लांट एंड मशीनरी जो 770 का था वो था, उसमें से अगर 10 वाला एसेट सोल्ड आउट हो जाता है तो उतने का डेप्रिसिएशन हमें लेस कर देना पड़ेगा, क्योंकि जो एसेट चला जाता है उसका डेप्रिसिएशन भी लेस कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा? 760 एसेट का कॉस्ट है और इस पे डिप्रिसिएशन हम लोगों को चार्ज करना पड़ेगा। ये देखो डिप्रिसिएशन बोला है 10% और किस पे बोला है? कॉस्ट पे, तो डायरेक्टली हम लोग 760 पे चार्ज कर सकते हैं, तो ये 76 हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग का 76 हो जाएगा। तो इसका मतलब डिप्रिसिएशन का वैल्यू आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा और क्या। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 240। तो अभी टोटल एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ये करेंट ईयर का नहीं है, टोटल एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ये हुआ, और जो हम लोग का अभी करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन है वो है 76, मतलब 760 माइनस 240 करने से पता चलेगा अभी नेट एसेट का वैल्यू कितना है, जो कि आ रहा है 520, और ये एड करने से हो जाएगा 880, ठीक है। अगर ये किसी को नहीं समझ में आया तो हम नीचे एक अकाउंट बना के दिखा देंगे, एक काम करें यही साइड पे बना के दिखा दे, फिर हटा देंगे, ठीक है, किसी को अगर लिखना है तो लिख सकते हो। तो ये देखो एक्यूमुलेटेड मेथड जो बचपन में तुम लोग सीखते थे 11-12 में, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही बात होता है, और एक प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट होता है, जब भी प्रोविजन मेथड फॉलो होता है तो ये 3 अकाउंट से क्वेश्चन बनता है। तो प्लांट मशीनरी हमेशा अपने कॉस्ट पे दिखता है, ठीक है, तो कॉस्ट पे कैसे दिखता है? सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी बोल के देखो कितने का एसेट था, 770 का, ठीक है, अच्छा, फिर इसमें से कितने का एसेट बिक गया? 10 का, सभी कॉस्ट में लिख रहा है, देखो बाई प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है, जब बिक जाता है तो उसके लिए डिस्पोजल अकाउंट यूज होता है, अगर कभी किसी ने किया है तो याद जरूर आएगा, बाई बैलेंस सीडी, तो यहाँ पर हो जाएगा 760, सिंपल है, 770 का एसेट था टोटल, उसमें से 10 का एसेट चला गया तो 760 का एसेट बचेगा,
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मतलब जिसपे हम लोग डिप्रिसिएशन परचेज डेट से लेके जितने दिन हमारे पास रहेगा उतने दिन का चार्ज करते हैं। तो पहले से डिप्रिसिएशन था 172, तो बाई बैलेंस बीडी क्योंकि प्रोविजन लाइबिलिटी होता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इस पे डेप्रिसिएशन तब तक ही हमें दिखाना है जब तक वो एसेट हमारे पास है, ठीक है। तो हमारे पास से कौन सा एसेट चला जा रहा है, 10 जो एसेट है ये चला जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो प्लांट मशीनरी डिस्पोजल में क्रॉस पोस्टिंग हो जाना चाहिए टू प्लांट एंड मशीनरी बोल के 10। तो डिस्पोजल में क्या लिखते पता है, जो एसेट बिक रहा है उसका कॉस्ट, उसपे लगने वाला टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो की है 8, ठीक है, 8,000। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 8,000, ठीक है। अब बिक के जो पैसा मिला उसे लिखेंगे बाय बैंक जो कि है हम लोग का 4 रुपीज, बैंक या कैश जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। और क्योंकि 10 के एसेट पे डिप्रिसिएशन लगने के बाद 2 वैल्यू था जो कि 4 हमें रिकवरी दे रहा है, तो बाकी पीएल टू पीएल बोल के यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये देखो 12 और ये देखो यहाँ पर भी 8 + 4 12 हो जाता है, ठीक है। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग यहाँ प्रोविजन अकाउंट में टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8, मतलब 172 कितने एसेट का डिप्रिसिएशन था, 170 का। लेकिन अगर उसमें से मेरा 10 का एसेट चला जा रहा है तो उसपे लगने वाला जो टोटल डिप्रिसिएशन है वो मुझे हटा देना है, ठीक है। और करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन का एंट्री होता है डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। नॉर्मली डिप्रिसिएशन का एंट्री होता है डिप्रिसिएशन टू एसेट, लेकिन अगर एसेट जो है एसेट पे डिप्रिसिएशन डायरेक्ट चार्ज नहीं होके प्रोविजन मेथड फॉलो होता है तो डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। करंट ईयर में कितना एसेट बच रहा है, 760, तो इस पे लगने वाला डिप्रिसिएशन 10% कॉस्ट मेथड पे लगाना है, मतलब एसएलएम जो हमें क्वेश्चन बताया है। तो ये हो गया 76, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस करके कितना आएगा, यहाँ पर बैलेंस सीधी करके हम लोग का आ जाएगा 240 शायद, देख लेते हैं 248, हाँ 248, ठीक है। अब ये 248 कहाँ से आया, सिंपल बात है 172, ये देखो 172 डेप्रिसिएशन में से 8 चला जाएगा क्योंकि वो एसेट बिक गया। तो जो एसेट हमारे पास पड़ा हुआ है उसपे डे 1 से लेके अब तक का 164 और इस करेंट ईयर में 76, तो टोटल 240। तो जो प्रोविजन मेथड है वो इस तरीके से होता है, इसीलिए यहाँ दिखाया। तो देखो तुम लोग का जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर हम लोग डील कर रहे हैं वहां तुम लोग को ये सब अकाउंट खोल के दिखाना जरूरी नहीं, क्योंकि उसमें तो काफी टाइम जाएगा। वैसे एक एक क्वेश्चन जो है काफी अच्छे मार्क्स का होता भी है, टाइम भी लगता है। तो ये सब चीज जो है ना, ये हम लोग जो है नॉर्मली जो है पहले थोड़ा करते हैं, ठीक है, इसीलिए ये एडजस्टमेंट हमें इस लेवल पे दिया जाता है। तो ये सब मेथड जो है ना हमारे नॉलेज में थोड़ा थोड़ा होगा तो काफी अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम यही है कि हर बार करके दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो ये देखो ये मेथड जो है इस तरीके से वर्कआउट करता है, तो ये एक बार देख लो अच्छे से ताकि इसका यूज कहीं पर भी आए, इस चैप्टर में नहीं कहीं और भी आए तो तुम लोग इसको कर सको। लेकिन ये देखो अगर हमें मेथड पता है ना हम लोग डायरेक्ट प्लस माइनस करके कर सकते हैं, अकाउंट का हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोविजन मेथड का मतलब यही है कि कॉस्ट हमेशा एसेट कॉस्ट पे दिखेगा, डिप्रिसिएशन के लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, वहां पर कितना डिप्रिसिएशन दिखता है एसेट की परचेज डेट से लेके जब तक एसेट हमारे पास है तब तक, और अगर बिक गया तो डिस्पोजल अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा एसेट, ठीक है। तो ये हम हटा देते हैं क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने किया। तो तुम लोग जिनको लिखना है लिख सकते हो अगर किसी को ये मेथड याद नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अब डेटा को पुट करेंगे, ठीक है, एक एक करके। चलो अच्छा, ये एसेट को बेच के हमारा एक प्रॉफिट भी हुआ ना, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एसेट को बेच के हम लोग का ना एक प्रॉफिट भी हुआ, नोट नंबर 8, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, अदर इनकम, अदर इनकम उसमें आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये देखो सेल वैल्यू 4, बुक वैल्यू एसेट का कितना है 10 - 8 यानी कि 2, तो फिर ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये वैल्यू इन लोग का हो जाएगा। अच्छा अब जितना भी नोट्स बन गया है एक एक करके हम लोग पुट करेंगे तो आंसर हम लोग का रेडी हो जाएगा। सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी 880, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी 880 हो जाएगा।
अच्छा ट्रेड पेबल लिखा हुआ है। अच्छा इसके बाद एक एक नोट के अकॉर्डिंग चलेंगे ठीक है। उसके बाद है हम लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये मैंने पहले ही लिख दिया था 20 ठीक है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में 3 + 3 6 6 120, अदर एक्सपेंस 120 नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 अदर एक्सपेंसेस 120। नोट नंबर 1 है पीपीई ठीक है, नंबर देना जरूरी है। नोट नंबर 1 है पीपीई, नोट नंबर 2 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3 था अदर एक्सपेंसेस, नोट नंबर 4 है फाइनेंस कॉस्ट डिवेंचर इंटरेस्ट, बस इस पे और कुछ नहीं आया। नोट नंबर 4 फाइनेंस। अच्छा इसके बाद है हम लोग का नोट नंबर 5, इसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया। इसको कंप्लीट करने के लिए पहले मुझे पीएल चाहिए करेंट ईयर का, तब कंप्लीट होगा ठीक है। अच्छा शेयर कैपिटल हम लोग का हो जाएगा 300, नोट नंबर 6 शेयर कैपिटल 300। रिजर्व सरप्लस भी जब कंप्लीट होगा तभी कर सकते हैं। अच्छा नोट नंबर 7 लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिवेंचर। लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिवेंचर 200। अदर इनकम 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अदर इनकम ये 2 हो जाएगा ठीक है। और इसका नोट नंबर था 8, इसमें कोई नोट नहीं बना हुआ था, तो ये हो गया 702। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम नहीं आया क्योंकि इनका जो है वो परचेज ऑफ स्टॉक इन, मतलब ये जो है मैन्युफैक्चरर नहीं होंगे ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर होता तो मैं क्वेश्चन बता देता ठीक है। अच्छा अब चेंजेस इन इन्वेंट्री ये भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री, क्योंकि हमें एडजस्टेड परचेज दिया था ठीक है। तो एडजस्टेड परचेज में ही हम लोग का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, यहाँ नॉर्मली सिर्फ परचेज आता है लेकिन उसको हम लोग अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्योंकि देखो एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या था, एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग चेंजेस इन इन्वेंट्री में जाता था। बट हमारे पास ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि हम लोग ये 320 में से ये सारे डेटा को आइडेंटिफाई कर पाए ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ही साथ में हम लोग सिर्फ एडजस्टेड परचेज वाला डेटा लिख देंगे और कहीं पर लिखने का जरूरत नहीं होगा ठीक है। तो ये हम लोग का ये ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी इस क्वेश्चन में था नहीं, तो नहीं लिखेंगे, नहीं है तो कैसे लिखें। फाइनेंस कॉस्ट डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन वो कितना हो जाएगा ये देखो, डेप्रिसिएशन हम लोग का करंट ईयर का लिखना पड़ेगा हमेशा, जो कि 76 होगा। चलो इसका एक नोट और बनेगा, नोट नंबर 9, नोट नंबर 9 डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 760 × 10% बचे हुए एसेट का कॉस्ट, तो 76 ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम लोग का हो जाएगा 76, नोट नंबर 9। अब ऐड कर लेते हैं 320 + 120 + 20 + 76, तो ये हो गया 536। 536 एक्सपेंसेस है और इनकम आया है 702, तो माइनस 702 करने से पता चल जाएगा प्रॉफिट है 166 ठीक है। तो ये मत सोचो कि नेगेटिव आ गया लॉस है, वो तो मैंने डेटा आगे पीछे लिखा है इस वजह से, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 166 ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 166 आया है उसको हम लोग को पुट कर देना चाहिए यहाँ पर, तब जाके ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा तो बाकी चीज भी हम लोग का बन जाएगा। 166
और यहाँ पर 72, 238 माइनस 18 इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया तो प्रॉफिट बच रहा है 220। ये पीएल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो ये हो गया 530। 530, ये हम लोग का 530 नोट नंबर है 5, नोट नंबर 5, 530। अब इसका टोटल लगाएंगे, प्लस 500, 300, 200 प्लस 52, तो ये आंसर आ रहा है 1082। अब ये बाकी भी इतना ही आने से हो जाएगा, -880 माइनस करके देख लेते हैं, अगर जीरो आ गया तो भी हो जाएगा। 86 माइनस 96 माइनस 20, तो सही है 1082 ये बन गया। ठीक है, तो वैसे ये छोटा था, इसके पहले हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था उसके मुकाबले देखा जाए तो ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, अच्छा चलो, यहाँ प्रोविजंस वाला चीज जो है वो तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए, अगर याद नहीं है तो फिर इस पे थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। इलास्ट्रेशन 2, और इसके बाद हम लोगों ने बाकी जो है किया हुआ है हम लोग का प्रीवियसली, अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 6 पे चलते हैं जो हमारा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ डेल्टा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2002, लैंड एट कॉस्ट, फिर से कॉस्ट में दिया है, पॉलसीन एरिया, तो लैंड एट कॉस्ट पीपी में जाएगा, पॉलसीन एरिया हम लोग का शेयर कैपिटल में एडजस्ट होगा, कैश इन हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट पीपी में जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा, इन्वेंट्रीज का क्लोजिंग दिख रहा है 31 मार्च 2, 31 मार्च 2, यानी यहाँ पर भी एडजस्टेड परचेज होगा, तो ये हम लोग का इन्वेंट्रीज में चला जाएगा। उसके बाद कैश एट बैंक, ये भी हम लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एडजस्टेड परचेज, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में जाएगा, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, ये तीनों अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, लगभग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डिवेंचर इंटरेस्ट जो है फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल में जाएगा, डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग, जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस, पीएल जो है ये ओपनिंग बैलेंस है, रिजर्व सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व सरप्लस, सेल्स जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा, ट्रेड पेबल में चला जाएगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन फिर से दिया है, सस्पेंस भी दिया है, लगभग सेम है। प्रोविजंस अकाउंट को कैसे मेंटेन करोगे यहाँ पर और एक बार तुम लोगों को उसका कैलकुलेशन करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दे रहा है ऑथराइज शेयर कैपिटल डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लैंड को रिवैल्यू किया गया है सेम उसी तरीके से देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर बोला है इंक्लूड शेयर ऑफ 50,000 इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा और जो शेयर्स जो है खरीद मतलब इशू किया गया है वो है 50,000, मतलब कैश नहीं मिला इस शेयर के अगेंस्ट में, तो इसको क्या करना होता है, कुछ नहीं अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। सस्पेंस अकाउंट में कैश रिसीव हुआ है, सेल ऑफ मशीन उसी तरीके का दिया है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इतना है तो वो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बेच के वो निकालना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन 10% ऑन कॉस्ट, बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 5,000 विथ एबीसी बैंक लिमिटेड विच इज नॉट ए शेड्यूल बैंक, तो शेड्यूल बैंक और नॉट शेड्यूल बैंक को अलग से डिस्क्लोज मतलब लिख के दिखाना पड़ेगा कितना पैसा हम लोगों ने शेड्यूल बैंक में डाल रखा है, कितना जो है शेड्यूल बैंक के अंडर नहीं है। प्रोविजंस बनाने बोला है इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स का, ट्रेड रिसीवेबल 50,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, अगर ट्रेड रिसीवेबल 6 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए हाँ हम लोग का ड्यू रहेगा तो उसको भी अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल विद नोट्स टू अकाउंट्स एज पर शेड्यूल 3। ठीक है, चलो इलास्ट्रेशन 6। डेल्टा लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। प्रीवियस वाले क्वेश्चन के साथ काफी सारा चीज सिमिलर है, थोड़ा बहुत इधर उधर दिखेगा तुम लोगों को। ठीक है, मतलब थोड़ा कम ज्यादा दिखेगा, जैसे कि जो टैक्स का प्रोविजन वगैरह बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर
और अमाउंट, क्योंकि इन 1000 में इस क्वेश्चन में सबसे पहला आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ये नहीं भी लिखोगे तो सही, अदर इनकम, टोटल इनकम, फिर सीपीसी, तो सी नहीं लिख रहा है क्योंकि मेटेरियल इस क्वेश्चन में था नहीं, ठीक है, और पी फॉर परचेज हो जाएगा, परचेज ये यहाँ पर एडजस्टेड है, सीपीसी, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री भी नहीं आएगा क्योंकि ये परचेज जो है ना ये एडजस्टेड वाला है, एडजस्टेड में हम लोग का ओपनिंग क्लोजिंग सब आ जाता है, तो सी पहला सी लिखने का जरूरत नहीं, क्वेश्चन में उसका इंफॉर्मेशन है नहीं, लिखोगे तो फाका रखना पड़ेगा जैसे मैंने प्रीवियस वाले में दिखाया, पी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये एडजस्टेड है तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज भी नहीं आएगा, सीपीसी, ई इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी इस क्वेश्चन में नहीं था प्रीवियस वाले क्वेश्चन के तरह, तो वो भी नहीं लिख रहा है, CPCEF, फाइनेंस कॉस्ट लिख रहे क्योंकि डिवेंचर था, CPCEFDO, डी फॉर डिप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैंने प्रीवियसली खाली रखा है वैसे रख दोगे तो भी हो जाएगा, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, अच्छा टोटल एक्सपेंस, फिर दोनों को लेस करेंगे तो प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, नहीं सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या फिर टैक्स एक्सपेंस, एक ही बात है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस क्वेश्चन में हम लोग का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी, नेक्स्ट यहाँ पर बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये यहीं तक होगा, नेक्स्ट पेज आएगा हम लोग का बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2002, तो हम अभी शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2002, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को ये सब यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हम कर रहे तो कर लोगे, पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट, सबसे पहले आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, पॉइंट वन शेयर होल्डर फंड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया शेयर कैपिटल, ये भी शॉर्ट में लिख दिया रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी, उसमें आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है, करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज में था ट्रेड पेबल, ये तो मुझे याद है, और इस बार शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आ जाएगा क्योंकि टैक्स का प्रोविजन था ना, तो टैक्स का प्रोविजन तो हर साल होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये आ जाएगा, चलिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और इस पे लग जाएगा हम लोग का टोटल यहाँ पर, फिर एसेट्स, एसेट्स में आ जाएगा नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में आ जाएगा पीपीई यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिर सेकेंड में आ इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट में लिख दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ टोटल लग जाएगा, ठीक है, अब हम लोग अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसा हमारे पास डेटा रहेगा उसी के हिसाब से, नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर वन,
देखते हैं किस चीज का लोड बनेगा। सबसे फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है हम लोग का लैंड एट कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू, यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे डेप्रिशिएशन एंड और एप्रिशिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में एप्रिशिएशन हम लोगों ने देख लिया है तो वही लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे नेट अमाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा लैंडेड कॉस्ट 800। उसके बाद आ रहा है कॉल सीन एरिया, ठीक है, प्लांट मशीनरी नीचे है तो मतलब इसके लिए लगभग इतना जगह रख देते हैं एडजस्टमेंट वगैरह सेल वगैरह दिखाने के लिए। नोट नंबर टू, नोट नंबर टू हो जाएगा, अच्छा ये पीपी का नोट है, ठीक है। नोट नंबर टू जो है ये हम लोग का बन जाएगा कॉल सीन एरिया मतलब शेयर कैपिटल का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, इसका नोट बनेगा। शेयर कैपिटल में क्या आएगा, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल, और तो कुछ था भी नहीं हम लोग का। इक्विटी शेयर कैपिटल में पहले ऑथराइज लिखना पड़ेगा, ऑथराइज कितना है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इशूड सब्सक्राइब ये सब लिखेंगे, आउट ऑफ उसमें से क्या है कॉल सीन एरिया, लगभग हमारा काफी नीचे के तरफ आ जाएगा, ठीक है। काफी जगह रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऑथराइज शेयर कैपिटल का जो है कैलकुलेशन लिखना है। फिर क्या लिखना होता है, इशूड सब्सक्राइब, ये कुछ अलग अलग था नहीं हमारे पास, मतलब हम लोग एक ही साथ लिख देंगे इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप, इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप होगा, ठीक है। कॉल्ड अप भी तो लिखना पड़ेगा, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल। फिर नीचे उसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा और नीचे यहाँ लिखना पड़ेगा आउट ऑफ एबव कितना ऐसा शेयर्स है जो हम लोगों ने अदर देन कैश किया, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें लिखना पड़ता है। बिना डिस्क्लोज के नंबर नहीं मिलेगा, डिस्क्लोज करना जरूरी है, प्रैक्टिकली भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर जब तुम लोग जॉब वगैरह करोगे तो वहां भी देखोगे कि बैलेंस शीट इसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। करना जरूरी है कि हम लोगों ने शेयर जो है पैसे के लिए नहीं किसी और वजह से इशू किया, तो आउट ऑफ बोल के यहाँ जो लाइन आएगा लगभग जो है कम से कम इतना बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर हम लोग का कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ जो भी अमाउंट लिखेंगे कॉल्स इन एरियर 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा कितना शेयर कैपिटल होगा। फिर कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड हम लोग का नोट नंबर 3 में चला जाएगा। तो नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसमें सबसे पहले आ रहा है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड हम लोग का है 2, तो यहाँ लिख देते हैं 2। फिर प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट 824, तो लिख लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 824, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट 824, इसको हम लोग यहीं पर क्लोज कर देंगे। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ये डायरेक्ट ट्रेड रिसीवेबल में चला जाएगा 120, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल नाम से ही है 120, 120। अच्छा फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज 96, ये भी डायरेक्टली चला जाएगा इन्वेंट्रीज 96, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्रीज के नाम से ही क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा फिर दिख रहा है इधर इक्विटी शेयर, इधर वाला कर लेते फिर नीचे वाला करेंगे, अच्छा लाइन बाय लाइन ही करते हैं तो प्रॉब्लम। कैश एट बैंक 28, तो कैश एट बैंक 28, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जगह है, कैश एट बैंक 28 ये हो गया। अच्छा इसके बाद है एडजस्टेड परचेस, तो ये परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वहीं पर चला जाएगा 400। अच्छा वो तो हमारे दूसरे पेज में है, ठीक है, चलो परचेस, ठीक है, परचेस का वैल्यू है ये है हम लोग का 400, ठीक है। तो परचेज हम लोग का हो गया 400, बिना नोट्स टू अकाउंट्स के बन जाएगा। फिर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, ये सबके लिए नोट बनेगा नोट नंबर 4, ये अदर एक्सपेंसेस में जाता है।
अदर एक्सपेंसेस में फैक्ट्री एक्सपेंस सेम लिखा हुआ है, ठीक है, उसी क्वेश्चन के थे। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, यहाँ पर हम ना और ऊपर थाउजेंड थाउजेंड नहीं लिख रहे, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को लिखना पड़ेगा 80 45 25। 80 45 25। फिर डिवेंचर इंटरेस्ट मतलब फाइनेंस कॉस्ट, नोट नंबर 5। फाइनेंस कॉस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट 30 रुपीज दिख रहा है, अब चेक कर लेंगे कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, बाकी ट्रायल बैलेंस का आधा हिस्सा इधर दिख रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हम लोग का 500 बोला है, 10 ईच स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 500 एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। तो 500 एट द रेट ऑफ 10, एक्चुअली ये जो 500 दिया हुआ है ना, ये भी तो हम लोग का, ये देखो ये 10 ईच करके है, एक्चुअली ये नंबर कितना होगा ये तुम लोग को कैलकुलेट करने आना चाहिए। ये 500 जो है, ये 500 और उसके बाद 3 जीरो है। एक मिनट हम कलर चेंज करते हैं ताकि तुम लोग को दिखे। देखो ये 500 है और इसके पीछे 3 जीरो है, ये रुपीज में है, डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 10 रुपीज करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चलेगा जो हो रहा है 50,000। अब 50,000 को इन 1,000 में लिखना है, मतलब 50, ठीक है। तो 50 × 10 मतलब 500 लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। तो बेसिकली देखो 50,000 शेयर्स है, तो हम ऐसे करके लिख के दिखा सकते हैं 50,000, यहाँ पर ऐसे लिख के देखो 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। तो ये हम लोग का ओवरऑल करके आ रहा है 500, क्योंकि 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 10 करने से हो जाता है 5 लाख। 5 लाख को डिवाइडेड बाय 1,000 करेंगे तो हम लोग का 500 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑथराइज्ड वाला, ठीक है, ऑथराइज्ड वाला बाद में लिखेंगे। ये मिल गया, ये लिख दिया 10% डिवेंचर 300, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नोट नंबर 6 बनाएंगे, नोट नंबर 6 लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिखेंगे 10% डिबेंचर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस में लिखेंगे 150। देखते हैं रिजर्व सरप्लस बना हुआ है नहीं, चलो रिजर्व सरप्लस बनाते हैं। नोट नंबर 7, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व 150, जनरल रिजर्व 150, पीएल उसका ओपनिंग बैलेंस है, पीएल का ओपनिंग बैलेंस है 75, सिक्योरिटीज प्रीमियम 40। यहाँ पर करेंट ईयर का पीएल ऐड कर देंगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम 40, सिक्योरिटीज प्रीमियम 40। अच्छा, फिर बोला है सेल्स, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1200। अच्छा, यहाँ पर लिख देंगे 1200 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1200। अच्छा, अब देखते हैं बाकी डेटा नीचे। यहाँ पर ट्रेड पेबल 30, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ट्रेड पेबल डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, ट्रेड पेबल हो जाएगा हम लोग का 30, ट्रेड पेबल बन गया 30। अच्छा, फिर प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ये हम लोग का 150 बोल रखा है, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में 150, मतलब अब तक 150 का डिप्रिशिएशन चार्ज हो चुका है। सस्पेंस अकाउंट को देखते हैं क्या करना है। ऑथराइज शेयर कैपिटल 80,000 एट द रेट ऑफ 10। अच्छा,
ऑथराइज शेयर कैपिटल 80,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच करके हो जाता है 8 लाख। 8 लाख को इन 1,000 में अगर लिखना है तो मुझे 800 लिखना है, ये क्लोज कर देना होता है। ये सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है, ये कभी बैलेंस शीट में नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या बोल रखा है। द कंपनी रिवैल्यूड द लैंड एट 9 लाख 60। लैंड का रिवैल्यूशन 9 लाख 60 में हो चुका है, यानी लैंड का वैल्यू हो चुका है 960। तो वैल्यू कितने से बढ़ गया है, 960 माइनस 800, तो वैल्यू बढ़ गया है 160 से, ठीक है। 160 का हो गया है एप्रिसिएशन, और ये एप्रिसिएशन कहाँ दिखना चाहिए, रिजर्व एंड सरप्लस में, रेवेन्यू रिवैल्यूएशन, सॉरी रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल के दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल के 160 ये आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड्स ऑफ 50,000 इशूड ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये 50,000 देख रहे हो, ये हमें रुपीज में दिया हुआ है, मतलब कितना सारा ऐसा शेयर्स है जो अदर देन कैश के लिए इशू हुआ है। एक एक शेयर 10 रुपीज का है, मतलब 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अदर देन कैश, ठीक है, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे। आउट ऑफ द एबव 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच हैव बीन इशूड फॉर अदर देन कैश, हैव बीन इशूड फॉर, हैव बीन इशूड फॉर अदर देन कैश, ठीक है। ये डिस्क्लोज करना जरूरी है जो किसी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और 5 रुपीज का कॉल सिनेरियर था, तो कॉल सिनेरियर माइनस होने के बाद पेड अप बन जाता है 495। बस शेयर कैपिटल का इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट देखते हैं। सस्पेंस अकाउंट 10,000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ सम मशीनरी, द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वाज 24,000 एंड द एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग 20,000, द बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी गिवन इन ट्रायल बैलेंसेस बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। बोल रहा है ट्रायल बैलेंस में जो प्लांट मशीनरी दिख रहा है वहां पर बोल रहा है कि जो एसेट बिका 20,000 24,000 का, उसका जो है एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है बेच के वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है देखो, टोटल 150 का अभी मैंने सिखाया था, टोटल 150 का डेप्रिसिएशन है। सबसे पहले तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से हम लोग लेस कर देंगे वो डेप्रिसिएशन जितने का एसेट बिक जा रहा है, यानी 20,000। तो 20,000 को इन 1,000 में अगर करने जाएंगे तो फिर यहाँ पर हमें 20 लेस करना पड़ेगा, तो लेस कर देंगे 20। 20 क्या लेस कर रहे हैं, जो एसेट बिक जा रहा है, मतलब 130 एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, और यहाँ से लेस करेंगे सेल एसेट जो सेल हुआ उसका कॉस्ट, ठीक है। तो जो एसेट सेल हुआ उसका कॉस्ट कितना है, 24,000, यानी 24 जो एसेट बच गया वो कितने का है, 800 का रिमेनिंग एसेट। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, 800 का 10%, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 80, ठीक है, 800 का 10% यानी कि 80 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन फिर कितना हो जाएगा, 150 माइनस 20 प्लस 80, मतलब 210, ठीक है, और माइनस 800 करने से हमें पता चलेगा नेट वैल्यू कितना हो रहा है, 590। तो 590 प्लस 960, ठीक है, 1550, ये हम लोग का वैल्यू निकल के आ रहा है पीपीई का, ठीक है, 1550। अब एसेट बेच के प्रॉफिट हुआ कि लॉस वो भी देखना पड़ेगा, चलो वो भी देखते हैं, उसके लिए नेक्स्ट नोट बना लेंगे, नोट नंबर 8। प्रॉफिट ऑन सेल, या फिर इसको हम लोग एक्चुअली इसको हमें बोलना चाहिए अदर इनकम, ठीक है, हेडिंग अदर इनकम होगा, और किस चीज से अदर इनकम हुआ वो ही देखो, प्रॉफिट ऑन सेल,
सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चला प्रॉफिट होगा? देखो यहाँ पर एसेट का कॉस्ट था 24,000, जो बिक गया उस पर 20,000 का डिप्रिशिएशन हुआ। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट 24,000 लेस डिप्रिशिएशन। अब ये किसी एक साल का नहीं है, टोटल डिप्रिशिएशन टिल द डेट ऑफ सेल 20,000। तो यहाँ पर हो गया 20,000। अच्छा, इसको तो मुझे इन 1,000 लिखना है, मतलब मुझे 3 जीरो हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 14, ठीक है। और कितने में बेचा गया है? बेचा गया है यहाँ पर 10,000। तो ये तो लॉस हो जा रहा है, एक सेकेंड देखते हैं, लॉस हो रहा है। सेल वैल्यू, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, 10,000 कैश रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ मशीन, द कॉस्ट ऑफ द मशीन 24, 24 माइनस 24 होगा। अच्छा, मैंने 14 क्यों लिखा है? तो लोग कुछ बोल नहीं रहे, मैंने गलत लिखा है यहाँ पर। ये देखो 4 होगा ना, बच्चा हुआ। अच्छा, फिर यहाँ पर लिख देंगे लेस सेल एट 10, तो फिर 6,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, 6,000 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो अदर इनकम में ये अमाउंट चला जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम लोग देखते हैं जहां तक हम लोगों ने क्लोज किया था उसके बाद से। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया, यहाँ से देख रहे हैं, फिर डिप्रिशिएशन हो गया। बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 5,000 विथ एबीसी विच इज नॉट ए शेड्यूल्ड बैंक। अच्छा, कैश एट बैंक, उसमें भी एडजस्टमेंट करना था, ठीक है। चलो करके दिखा देते हैं। कैश एट बैंक में हमें लिखना है, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ये जो कैश एट बैंक है इसके नीचे लिखना पड़ेगा कैश एट बैंक विथ शीट, यहाँ पर लिखते हैं विथ शेड्यूल्ड बैंक, विथ शेड्यूल्ड बैंक विथ अदर, ऐसे लिखने से ही हो जाएगा। विथ अदर, ब्रैकेट में अदर बैंक का नाम दिया हुआ था, ये देखो 5,000 एबीसी बैंक लिमिटेड, तो एबीसी बैंक, ठीक है। 5,000 मतलब 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कैश एट बैंक था 28, जिसमें से शेड्यूल बैंक में था हम लोग का 23, ठीक है। ये कैसे पता चला? क्योंकि जो शेड्यूल बैंक में नहीं था वो 25 है, ठीक है। तो ये अलग बस डिस्क्लोज करना है और कुछ नहीं, बस हो गया। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बोला है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल का भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, चलो लिख देते हैं। और ये हम लोग का टोटल करके, अच्छा टोटल बाद में कर लेंगे, और एक नोट बनेगा, नोट नंबर 9, नोट नंबर 9, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ तक किया, शेड्यूल बैंक। अच्छा, हम लोग का टैक्स का प्रोविजन, ये हम लोग वहीं पर डायरेक्टली लिख देंगे, इसका नोट नहीं बनाना होता है। और ट्रेड नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट बनेगा, ठीक है, चलो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये नोट बनेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। अब कितना होगा वो तो कैलकुलेट, जब तक हम लोग पीएल नहीं कर पाएंगे तब तक नहीं लिख पाएंगे। तो ये ऐसे ही रख दिया मैंने जगह, नोट नंबर 10। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे जो इंफॉर्मेशन है ना उसके हिसाब से जरूरत है, कि कितना मोर देन 6 मंथ्स के लिए है, कितना मोर देन 6 मंथ्स के लिए नहीं है, वो डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग लिखा है मैंने, आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ से ज्यादा का कितना डेटर है, 50,000, मतलब 50, ठीक है। और टोटल डेटर देख लेंगे कितना है, तो बाकी अदर डेटर बोल के लिख देंगे, जो मोर देन 6 मंथ्स के लिए नहीं है, ये डिस्क्लोज करना जरूरी है और कुछ नहीं। तो ट्रेड रिसीवेबल कितना था, हम ऊपर देख लेते हैं, देख लेते हैं, यहीं पर मिल जाएगा 120, ठीक है। 120 में से 50 ऐसा है, तो बाकी हो जाएगा हम लोग का 70, तो ये बन जाता है 120। तो मुझे लगता है हम लोग का ये जो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी एक एक करके नोट जो है हम लोग पुट करते जाते हैं। चलो, नोट नंबर 1 में है, हमें पीपीई पुट करना है। अब पीपीई का वैल्यू हो जाएगा 1550, नोट नंबर 1, पीपीई 1550।
ठीक है, इन्वेंट्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल का भी नोट हमें पुट करना पड़ेगा, जो कि सबसे लास्ट नोट नंबर पुट कर देते, मैंने पहले ऐसे ही लिख दिया था 10, ठीक है, यहाँ पर बस 10 लगा दो, हो गया, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अच्छा, इसके बाद शेयर कैपिटल है, चलो शेयर कैपिटल को क्लोज करते हैं 495 में, नोट नंबर 2, ये हो जाएगा 495, ठीक है, तो नोट नंबर 2 भी लिख लिया। नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 3 + 2 = 0, ये हो गया 30, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये हम लोग का हो जाएगा 30, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये हम लोग का हो गया 30। इसका नोट नंबर था 3, ठीक है, इसका नोट नंबर है 3, अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं नोट नंबर 4, अदर एक्सपेंसेस टोटल करते हैं, ₹150 आता है, ठीक है, तो वो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा नोट नंबर 4, अदर एक्सपेंसेस नोट नंबर 4, अदर एक्सपेंसेस नोट नंबर 4 और 150 आए। फिर नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंस कॉस्ट 30, क्योंकि 30 हो रहा है, 10% डिवेंचर, 330 कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 5 30, फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 5 और ये हो गया 30। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग 300, नोट नंबर 6, लॉन्ग टर्म बोरिंग 300, नोट नंबर 6, यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग 300, नोट नंबर 6। फिर नेक्स्ट देखते हैं रिजर्व सरप्लस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हमें पीएल नहीं मिल जाता है, ठीक है, अदर इनकम नोट नंबर 8 6, अदर इनकम नोट नंबर 8 6, फिर नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी जब तक कैलकुलेट नहीं होगा नहीं कर सकते, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, चलिए अब देखते हैं इसको टोटल करके कितना कितना आता है। यहाँ पर सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा 1206, ठीक है, फिर यहाँ 400 400 और यहाँ पर, अच्छा, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन वो नहीं लिखा ना, वो लिखना, अच्छा चलो डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन और एक नोट बनेगा, नोट नंबर 11, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये आया था हम लोग का 800 पे 10%, 18 दिखा देते हैं, ऑलरेडी मेरा यहाँ पर बताया हुआ है, ये रहा 80 जो करंट ईयर का जाएगा, ठीक है, तो नोट नंबर 11 डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 80, नोट नंबर 11 डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 80, चलो तो ये हो जाएगा 80 + 400 और ये 100, 550, 580 + 80, तो ये बन जाता है हम लोग का 660, 660 और 1206, तो प्रॉफिट हो रहा है 546, और इस पे टैक्स का प्रोविजन करने हमें बोला गया था, नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 30% बोला था शायद टैक्स का प्रोविजन, हाँ 30% करने बोला था, तो यहाँ पर एट द रेट ऑफ 30%, 546 पे 30%, तो ये हो जाएगा हम लोग का 163.80 प्लस 546, तो ये हो जाएगा 382.20 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को क्या क्या मिल गया है डेटा ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग का रिजर्व सरप्लस बाकी है, बाकी सारा डेटा तो लिख लिया, चलो ये एसेट साइड तो ऐड हो जाएगा, 382.2 ये लिख लेते हैं पीएलवी पे, 382.2, 382.2
और टोटल करके देखेंगे कि रिजर्व सरप्लस में कितना आ रहा है, प्लस सेवेंटी फाइव ये दोनों मिला के पीएल, ठीक है, प्लस 150 रिजर्व, 40 और ये हो गया 200, तो ये हम लोग का आंसर आ रहा है 807.2। अगर हम पॉइंट में रख लेते हैं तो कुछ इतना दिखेगा, 807.20, ठीक है, 807.20, ये है नोट नंबर 7, रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 7, 807.20। प्लस 495 प्लस 330, 163। अच्छा शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये नहीं लिखा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस निकाला अभी हम लोगों ने, 163.80 वो लिख देंगे, ठीक है, 163.80 वो टैक्स का है तो ऐड कर लेते 163.80, तो ये हम लोग का आ गया 1796। ये हम लिख देते हैं नीचे, जो हम लोगों ने शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नोट नंबर बना रखा है वहां 163.80 जाएगा, यहाँ पे 163.80 जहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस लिखा है वहां ये वैल्यू चला जाएगा, नोट नंबर लगाना है 9, ठीक है, वो तो तुम लोग देख देख के अपने हिसाब से लगाओ जितना नोट नंबर है, नोट नंबर हो गया 9, ठीक है। अब बाकी हम लोग इधर ऐड करेंगे तो उसमें भी मेरा 1796 होना चाहिए, देख लेते हैं होता है कि नहीं, माइनस 96 माइनस 150 माइनस 1550, हाँ होता है, तो 1796 ये हो गया लोग का मैच, ठीक है, तो इस तरीके से हो, तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते, इसके बाद ये एमसीक्यू उसको बाद में करेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो कहाँ कहाँ जाएगा ऐसा कुछ पूछ रखा है तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो सेवेंथ नंबर, ऑन 31 मार्च 2001 बोस एंड सेल लिमिटेड प्रोवाइड्स टू यू द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो पीएल इसमें बना हुआ है आफ्टर प्रिपेयरिंग इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलो ये अच्छा हुआ कि इसमें जो है पीएल इनका बना हुआ है, देखते हैं हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है, एक बार लास्ट में जाके चेक करते हैं, तो सिर्फ बैलेंस शीट ही बोलना चाहिए, देखते हैं क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, ठीक है, चलो हम पहले एक बार स्ट्रक्चर बना लेते, उसके बाद डेटा जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। बोस एंड सेल लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 7, बोस एंड सेल लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन, डेट देखते कब का बनाना है, 31 मार्च 2001 पर्टिकुलर्स अमाउंट नोट नंबर और अमाउंट, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, थोड़ा और भी शॉर्टकट कर लिया, पॉइंट वन में शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, देखो इसमें ना फिक्स्ड है, इसमें ये दोनों के अलावा कुछ आता नहीं है, बाकी तो अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉन करेंट लाइबिलिटी, वहां पर जो भी आएगा ठीक है पॉइंट ए, और अगर एक दो आएगा तो हम थोड़ा जगह रख देते हैं, बाई चांस अगर आया तो लिख लेंगे, करेंट लाइबिलिटी इसमें भी देखना पड़ेगा, चलो एक बार पढ़ ही लेते नहीं तो कैसे समझ में आएगा क्या क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रीपेबल विद इन 1 ईयर। अब ये देखो एक अलग पॉइंट यहाँ जरूर दिया है कि हम लोग ने जो लोन लिया है वो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लिया है 10,50,000, और ये जो है हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से किया हुआ है, हाइपोथिकेशन का मतलब है कि मॉर्गेज किया हुआ है कि अगर ये लोग ना पे कर पाए तो जिस प्लांट एंड मशीनरी को मॉर्गेज किया है बैंक आके उस प्लांट मशीनरी को बेच के अपना लोन का अमाउंट रिकवर कर लेगी, लेकिन
जिसपे मॉर्गेज है ना, मतलब ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि विद इन 1 ईयर 2 लाख हमें रीपे करना है, तो अगर 1 ईयर के अंदर अगर हमें लोन का अमाउंट रीपे करना होता है, फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। मतलब 10 लाख 50 में से 2 लाख का हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग ही है। इसका मतलब जब हम लोग करेंट लाइबिलिटी बनाएंगे ना, तो वहां पर 0.1 में हम लोग का क्या आना चाहिए, करेंट लाइबिलिटी में 0.A में कुछ आएगा, तो मतलब जैसे कि इन्वेंट्रीज वगैरह होता है, ट्रेड पेबल वो आ जाएगा, हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरिंग जरूर आएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग वो थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखा जाता है नॉर्मली, तो हम यहाँ सेकंड पॉइंट में लिख देते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग। फर्स्ट पॉइंट के लिए मैंने जो है वो ट्रेड पेबल को खाली रखा है, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में ट्रेड पेबल होना एक नॉर्मल बात है, वो जरूर रहेगा, ठीक है। फिर लोन अनसिक्योर्ड, तो ये देखो सब लोन का ही है, अनसिक्योर्ड है, तो ये सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कितना सिक्योर्ड कितना अनसिक्योर्ड। सन्ड्री क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस पेबल विद इन 6 मंथ्स, तो ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन है इस क्वेश्चन में, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन वो भी हम लोग का लाइबिलिटी है, वो भी आ जाएगा। पहले का कुछ प्रोविजन है, बाकी हमें देखना पड़ेगा कितना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पॉलिसी एरियर, वो शेयर कैपिटल में जाएगा, लैंड जो है पीपी में जाएगा, बिल्डिंग पीपी, प्लांट मशीनरी पीपी, फर्नीचर फिक्स्चर पीपी, इन्वेंट्रीज जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, मतलब चेंजेस इन स्टॉक इन ट्रेड में, फिनिश गुड्स रॉ मेटेरियल, ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा, शॉर्ट टर्म एडवांस है, कैश इन हैंड है, बैलेंस विद बैंक, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, मतलब इनटेंजिबल एसेट भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर इक्विटी शेयर्स अदर देन फॉर जो है कैश जो है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए इक्विटी शेयर इशू हुआ था, 4,20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स वेयर अलॉटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। फिर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर दे दिया है वहां, इसका मतलब नेट बैलेंस दिया है बता देंगे। ट्रेड रिसीवेबल ड्यू मोर देन 6 मंथ्स, ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बैलेंस बैंक में जो है उसमें से 18,000 जो है नॉट विद शेड्यूल्ड बैंक, 5 लाख फॉर ए पीरियड ऑफ 9,000, एक डिपॉजिट भी है, अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख फ्रॉम बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी रिटन ऑफ बाय एडजस्टिंग फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। बोल रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर देना है, नॉर्मली हम लोग अदर एक्सपेंसेस में लिखते हैं, बोल रहा है कि जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर दो, मतलब जनरल रिजर्व से वो अमाउंट पे करके हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया इतना सा कि स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो ट्रेड पेबल तो क्वेश्चन में है, तो ट्रेड पेबल तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे एक फुटन, इसके बाद हो जाएगा एसेट्स। एसेट्स में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में मैंने देखा पीपीई भी था और एक इनटेंजिबल एसेट पेटेंट भी था, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इनटेंजिबल। और नॉन करेंट एसेट के बाद करेंट एसेट, करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज था, इन्वेंट्रीज, शॉर्ट टर्म एडवांस देखा मैंने, ट्रेड रिसीवेबल देखा, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। बस इसमें काफी सारा डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट जरूर है। अब हम लोग नोट्स बना के स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स नोट नंबर 1 देखते हैं किस चीज का नोट हमें बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करें। शेयर कैपिटल, यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड। अच्छा, अब ऑथराइज्ड हमारे पास ना नीचे भी इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं, ऊपर तो जो है वो तो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर पेड अप ही दिख रहा है, नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग ऑथराइज्ड कितना मानेंगे, अगर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ये 70 लाख को ही हम लोग ऑथराइज्ड भी मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 लाख, मतलब 70,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, नहीं 70 लाख वो 10 रुपीज करके है तो 7 लाख हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 7 लाख हो जाएगा।
7 लाख, तो 70 लाख ये ऑथराइज्ड यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। फिर लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड एंड पेड अप। देखो हम बार बार इसीलिए लिखा रहे हैं क्योंकि तुम लोग को एग्जाम में इसी टाइम के अंदर पूरा चीज को लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो भी फुल स्पेलिंग के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 लाख एट द रेट ऑफ 10। एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये हो जाएगा 70 लाख। अब इसमें भी एक चीज डिस्क्लोज करना था कि इसमें से कितना शेयर ऐसा था जो कि इन्होंने लैंड बिल्डिंग परचेज के लिए खरीदा था, ना कि कैश इसके बदले मिला। ये वाला 4,20,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स वेर एलोटेड एज ए कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, मतलब अदर देन कैश। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आउट ऑफ दिस 4,20,000 शेयर्स have been issued for consideration other than cash, for consideration other than cash, other than cash। ये लिखना पड़ेगा, ये लिखवा दिया मैंने। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट ऊपर जाना पड़ेगा, फिर देखते हैं। तो फिर जनरल रिजर्व आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ एक पॉलिसी एरियर भी था क्वेश्चन में, तो उसके लिए थोड़ा सा जगह रखते हुए हम लोग दूसरा वाला नोट्स बनाएंगे, नोट नंबर 2, ठीक है। नोट नंबर 2 में हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का नोट करना चाहिए। देखते हैं रिजर्व सरप्लस में, सबसे पहले जनरल रिजर्व 15,49,100, तो यहाँ पर लिखते हैं जनरल रिजर्व, सभी शॉर्टकट में लिख रहे हैं 15,49,100। यहाँ से 30 रुपीज लिखना पड़ेगा प्रेजेंटेशन। हम लोग को बोला था जनरल रिजर्व से ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ करना है, तो यहाँ पर लेस कर देते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा ना, तो वो अमाउंट जब मिलेगा तब देख लेंगे, मुझे याद आया तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा इसके बाद पीएल वगैरह आएगा, ये देखो पीएल का ओपनिंग भी है, ठीक है, तो वो जब आएगा लिख लेंगे, थोड़ा सा जगह रख देते हैं एक लाइन जितना। अच्छा फिर नोट नंबर थ्री किस चीज का बनेगा? नोट नंबर थ्री है लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। इसमें दो पार्ट में लिखना पड़ेगा, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन मतलब जिसमें मॉर्गेज है, सिक्योर्ड टर्म लोन। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिक्योर्ड टर्म लोन में लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 10,50,000, जिसमें से 2 लाख लेस हो जाएगा क्योंकि वो हम लोग का लेस देन 1 ईयर का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो लॉन्ग टर्म में कितना आएगा, 10 लाख में से 2 लाख माइनस होने के बाद जितना बचेगा, 10,50,000 था ये देखो, 10,50,000 में से 2 लाख लेस हो जाए क्योंकि हम लोग का 1 ईयर के अंदर पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8,50,000, और ये किस चीज से सिक्योर्ड है, तो ये लिखेंगे सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन और प्लांट एंड मशीनरी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिक्योर्ड किस चीज से है, प्लांट एंड मशीनरी से। फिर बोला है लोन अनसिक्योर्ड 8,47,000, ठीक है। अब अनसिक्योर्ड वाला लिखेंगे, अनसिक्योर्ड लोन, तो अनसिक्योर्ड लोन का यहाँ पर बोला है लॉन्ग टर्म 8,47,000, ठीक है। लेकिन इसमें भी ना हमें कुछ डिटेल्स दिया हुआ था, ये देखो नीचे है तो हम दिखा देते हैं, मुझे याद है, ये देखो यहाँ पर बोला था अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख फ्रॉम ए बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड लोन का बैंक से कितना मिला है वो लिखेंगे, बैंक लोन 2 लाख रिलेटेड पार्टीज,
1 लाख रिलेटेड पार्टी से लिया, ये सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, बस इतना ही बोला है। लेकिन टोटल अनसिक्योर्ड लोन कितना है, टोटल अनसिक्योर्ड लोन है हम लोग का 8,47,000, तो बाकी अदर हो जाएगा। टोटल तो हमें यहाँ पर 8,47,000 ही लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर 8,47,000, ठीक है, तो बाकी हम लोग अदर्स बैलेंस करके आएगा, बैलेंसिंग फिगर 8,47,000 से 3 लाख माइनस कर देंगे तो 5,47,000 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये दो डेटा को थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, 8,50,000 और यहाँ 8,47,000, तो ही ना ऐड कर पाएंगे, इधर लिखना पड़ेगा 8,47,000, 8,50,000 और ये 8,47,000, तो ही जाके हम लोग ऐड करके जो लॉन्ग टर्म बोरिंग का टोटल है वो हम लोग लिख पाए। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है ये भी लिख देते हैं, जो हम लोग का 2 लाख वाला, ठीक है, ये भी लिख देते हैं, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या जाएगा, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग यहां पर लिख देते हैं, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग टेबल विद इन 1 ईयर, मतलब करेंट ईयर के अंदर ही जो है ये मैच्योर हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग का ये पार्ट, जो कि 2 लाख है, ठीक है, विद इन 1 ईयर, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 लाख, ये हो गया नोट नंबर 2। अच्छा, अब फिर देखते हैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है, तो सन्ड्री क्रेडिटर का हमें लिखना पड़ेगा नोट नंबर 5। सन्ड्री क्रेडिटर यानी ट्रेड पेबल, इसका क्या लिखना पड़ेगा, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल का हमें लिखना पड़ेगा कि कितना आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर बताया है सेंडरी क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस 14 लाख, यहाँ पर लिखेंगे 14 लाख है, पेबल विद इन 6 मंथ्स, और इसका देखते हैं नीचे कुछ इंफॉर्मेशन था, नहीं नहीं था, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का पेबल विद इन 6 मंथ्स 14 लाख, सेंड्री क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस पेबल विद इन 6 मंथ्स 14 लाख, पेबल विद इन 6 मंथ्स 14 लाख। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व सरप्लस में जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस 7 लाख। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बोला है, यानी मुझे दिखाना चाहिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन 8,16,900, क्योंकि इन्होंने पीएल अपना बना लिया है, पहले ही बोल दिया है, इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हमें दिख रहा है, तो नोट नंबर 6, नोट नंबर 6, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स 8,16,900, इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पॉलिसी एरियर, ये लेस हो जाएगा हम लोग का शेयर कैपिटल के नाम पर 7,000, पॉलिसी एरियर, पॉल्स इन एरियर 7,000 लेस हो जाएगा, तो 70,000 लेस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 69,93,000, ये भी क्लोज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, तो ये बनेगा पीपीई, चलो पीपीई ये बनाते हैं नोट नंबर 7, नोट नंबर 7, पीपीई,
में है लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, ग्रॉस डिप्रिशिएशन और यहाँ पर नेट है। ठीक है, अच्छा देखते हैं ये जो वैल्यूज है ये हम लोग का ग्रॉस नहीं है। कैसे पता चलेगा? जब नीचे देखोगे यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट, मतलब जो परचेज प्राइस है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 28 लाख, तो हम लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कॉस्ट यानी कि ग्रॉस वैल्यू 28 लाख। ठीक है, उसके बाद बोला है 49 प्लांट, 4,37,500 फर्नीचर फिक्सचर। 49 प्लांट का वैल्यू है, 4,37,500 फर्नीचर फिक्सचर का वैल्यू है। लैंड का कोई कॉस्ट वैल्यू हमें नहीं बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बाकी वैल्यूज, लैंड का है 14 लाख, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे 14 लाख। अब लैंड पे क्योंकि डेप्रिशिएशन तो लगता है नहीं और इसका कोई एप्रिशिएशन का हमें बोला नहीं है, रिवैल्यूड वगैरह, तो नेट वैल्यू इतना होगा। अब बिल्डिंग का वैल्यू कम होके 20,50,000 हो गया है। क्यों हुआ होगा? ऑब्वियसली डिप्रिशिएशन यहाँ पर आ जाएगा, वैल्यू 20,50,000। तो डिप्रिशिएशन कितना हुआ? 28 लाख में से अगर हम लोग 20,50,000 को लेस करेंगे तो ये 7,50,000 आ जाएगा। माइनस करके देख लो, ठीक है, 7,50,000 आ जाएगा। 28 माइनस 20.5, तो ये हो जाएगा 7,50,000। अच्छा, और जो हम लोग का प्लांट मशीनरी है उसका वैल्यू हो गया 36,75,000। तो 49 माइनस 36.75, तो ये वैल्यू आ रहा है 12.25, मतलब 12,25,000। और फर्नीचर फिक्सचर्स का वैल्यू हो चुका है 3,50,000, कम हो गया, तो 3,50,000। तो डिप्रिशिएशन कितना हो गया? हो गया 4,37,500 माइनस 3,50,000, 87,500। ये ऐड कर लेते हैं, 14,00,020.5+36.75+3.5, तुम लोग चाहो तो पूरा पूरा ऐड कर लो, 74,75,000 ये पीपी में चला जाएगा। ठीक है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला। नोट नंबर 7, डेप्रिसिएशन का अलग से बनाने का जरूरत नहीं क्योंकि हमें पीएल बनाना है ही नहीं। इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स और रॉ मेटेरियल ये लिखना पड़ेगा, इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज। नोट नंबर 8, नोट नंबर 8, इन्वेंट्रीज, फिनिश्ड गुड्स और रॉ मेटेरियल। ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने, फिनिश गुड्स जो है ये हम लोग का है 14 लाख और ये 3,50,000, तो 14 लाख और 3,50,000, मतलब ये हो जाएगा 17,50,000। ये भी क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कोई इंफॉर्मेशन था। अच्छा, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, 6 मंथ्स वाला एक पॉइंट दिया हुआ था। ठीक है, नोट नंबर 9, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स और अदर डेटर, यही पॉइंट था और कुछ नहीं। ठीक है, और टोटल डेटर है 14 लाख, बाकी कौन 6 मंथ से ज्यादा का है और कौन 6 मंथ्स के अंदर है वो हमें दिखाना है। टोटल डेटर है 14 लाख। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते हैं, पॉइंट वन डील हो चुका, पॉइंट टू ट्रेड रिसीवेबल 3,80,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो ये हो गया 3,80,000। 14 लाख से 3,80,000 माइनस करने से हो जाएगा 10,20,000। ठीक है, अदर डेटर हो गया, ये डिस्क्लोजर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं एडवांस शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म एडवांस 2,98,900, तो शॉर्ट टर्म एडवांस ये हम लोग का नोट नंबर 10। शॉर्ट टर्म एडवांस, तो शॉर्ट टर्म एडवांसेस 2,98,900, बस यही दिया हुआ था और कुछ नहीं, 2,98,900। अच्छा, कैश इन हैंड बैलेंस विद बैंक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ। अच्छा, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, वो शायद पहले बना है, नहीं बना है। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। नोट नंबर 11,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लेकिन इसमें भी काफी सारा इंफॉर्मेशन है। टोटल कैश इन हैंड है 2 लाख 10। कैश इन हैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2 लाख 10। और कैश एट जो बैंक है, बैलेंस विद बैंक, वो है हम लोग का 17,29,000। कैश एट बैंक, इसका बाकी डिटेल्स लिखेंगे। और टोटल जो है वो है हम लोग का 17 लाख, कितना बोला गया है, 17,29,000। अब इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें डील करना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक के, बैंक में है 18,000, तो यहाँ पर लिखते हैं कैश एट बैंक। यहाँ पर कैश एट बैंक शेड्यूल, बैंक में कितना पैसा है चेक करते हैं। द अमाउंट ऑफ बैलेंस विद बैंक इंक्लूड 18,000 विद द बैंक विच इज नॉट ए शेड्यूल बैंक। अच्छा, नॉट ए शेड्यूल बैंक, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं नॉट शेड्यूल, नॉट शेड्यूल्ड बैंक है हम लोग का 18,000। नॉट शेड्यूल्ड बैंक है 18,000 और डिपोजिट है 5,09,000 का। डिपोजिट 9 मंथ्स के लिए वो हम लोग का 5 लाख। कैश एट शेड्यूल बैंक, तो फिर शेड्यूल बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है वो निकालना पड़ेगा। तो टोटल है 17,29,000, इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा ये बात, ठीक है। अब टोटल कर करके चेक करना पड़ेगा। तो 17,29,000 माइनस 5,18,000 करने से ही आ जाएगा 12,11,000। 12,11,000 शेड्यूल बैंक में है, तो 17,29,000 प्लस 2,10,000, 19,39,000। 19,39,000 नोट नंबर 11 बन गया। अच्छा, ये वाले इंफॉर्मेशंस के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 93,100 वो तो राइट ऑफ करना पड़ेगा, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, तो उसके लिए बनेगा इंटेंजिबल एसेट, नोट नंबर 12, इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट एंड ट्रेड मार्क 4 लाख, बस कंप्लीट। अब जस्ट हमें डेटा को पुट कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग के पास कौन सा डेटा आ रहा है, शेयर कैपिटल का। सबसे पहले हम लोग के पास डेटा आ रहा है शेयर कैपिटल 69,93,000, नोट नंबर 1, 69,93,000। फिर इसके बाद यहाँ पर रिजर्व सरप्लस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ वो लिखना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 93,100। 15,49,100 माइनस 93,100, 14,56,000 प्लस 7 लाख, 21,56,000, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, 21,56,000। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी में होना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरिंग, देखते हैं इसके बाद नोट किस चीज का बना हुआ है। नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरिंग का ही बना हुआ है, ये दोनों को टोटल करेंगे 8,50,000 प्लस 8,47,000, 16,97,000, 16,97,000, नोट नंबर 3। सिक्सटीन लैख
97। नेक्स्ट आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग 2 लाख, नोट नंबर 4। ट्रेड पेबल 14 लाख, नोट नंबर 5। ट्रेड पेबल 14 लाख, नोट नंबर 5। अच्छा शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट नंबर 4 2 लाख, यही देखा अभी हम लोगों ने। 4 और 5, 4 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर पे है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8,16,900, नोट नंबर 6। 8,16,900, नोट नंबर 6। 8,16,900, नोट नंबर 7। पीपीई 74,75,000, नोट नंबर सॉरी नोट नंबर 7। PPE 74,75,000, और ये पेटेंट का वैल्यू था, ये एकदम लास्ट पॉइंट है। 7 नंबर पे हो गया PPE। 8th नंबर पे इन्वेंट्री 17,50,000, 8th नंबर पे इन्वेंट्रीज 17,50,000, 9th नंबर पे ट्रेड रिसीवेबल 14 लाख, 10th नंबर पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 2,98,900। तो 9 और 10, 9 और 10, 9 नंबर पे 14 लाख, और 10th नंबर है 2,98,900, 98,900 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 2,98,900 हो गया। और लास्ट यहाँ पर ये वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 19,39,000 और 4 लाख, 11 और 12, 11 और 12, ये 12 इंटेंजिबल एसेट, ये 11 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 19,39,000 और इंटेंजिबल एसेट 4, बस ऐड करने से ही टैली हो जाएगा। तो सही, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 74,75,000 प्लस 4 लाख प्लस 17,50,000 प्लस 16,98,900 प्लस 19,39,000 1,32,62,900, 1,32,62,900। इधर देखते हैं माइनस कर करके, -8,16,900, -16 लाख, फिर से -16,97, -21,56, -69,93, सही है। तो 1,32,62,900, ठीक है, तो बन गया। अब देखो जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, हम लिखने से कोई फायदा नहीं है, जितना तुम लोग खुद प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग के लिए अच्छा है। स्पीड भी होना चाहिए तभी जाके पूरा कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाओगे, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोग का हो गया। अब 8 बाकी है, 8 यहाँ से बाकी उधर सब हो गया, 8 और 9, 8, 9, 10, ये 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसमें एक डिविडेंड का कंसेप्ट है वो देखना पड़ेगा। 10 काफी बड़ा है, देखते हैं कितना हो पाता है, और 2 क्लास शायद लगेगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करेंगे। थैंक यू मैम, ठीक है, बाय।